नमस्कार, मैं हूं यास्मी। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती को लेकर लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और इस वक्त रिया और उनका परिवार सीबीआई की रडार पर है। ऐसे में इस केस में कई अहम सवाल उठाते हुए शुरुआत से सीबीआई की मांग करने वाले देश के जाने माने वकील और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए रिया चक्रवर्ती को घेरा है। अपने ट्वीट में स्वामी लिखते हैं कि अब अगर रिया चक्रवर्ती ऐसे ही सबूत देती रही जो कि महेश भट्ट के साथ हुई उनकी बातचीत का विरोध करती हो, तो सीबीआई के पास सच का पता लगाने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में पूछताछ के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बताते चले कि सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट उस समय आया है जब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट वायरल हुई, जिसे लेकर लोग महेश भट्ट को भी सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। हालांकि बीते दिनों उनकी बेटी पूजा और पत्नी सोनी राजदान ने महेश भट्ट का बचाव किया था, लेकिन महेश भट्ट की वकालत करना खुद उन पर ही भारी पड़ गया था। खैर, फिलहाल तो स्वामी ने एक तरह से रिया को लेकर चेतावनी देने की कोशिश की है कि अगर वो अपने हरकतों में ऐसे ही फंसती रही तो वो दिन दूर नहीं कि वो सीबीआई के गिरफ्त में होंगी। गौरतलब है कि कुक नीरज, स्टाफ मेंबर दीपेश और रूममेट सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के बाद अब सीबीआई की ओर से रिया चक्रवर्ती को सवाल जवाब के लिए समन जारी किया जाएगा। अब आगे की कहानी सीबीआई द्वारा रिया से होने वाले पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। देखते हैं कि ये पूरी जांच कहां जाकर खत्म होती है।